again, and today's topic is how to clean your bike chain at home. और इस चीज़ को करने के लिए आपको घर में कुछ तीन चार आइटम्स चाहिए होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेडिसन का 4 हाई ग्लॉस फिनिश, ठीक है। इससे आप अपनी बाइक को जो है साफ करोगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपको ये चाहिए, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 140 एक लीटर है, तो एक लीटर लगेगा नहीं, 100 ml बोलता है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको चाहिए लुब्रिकेट, जो चेन साफ करने के बाद आप लुब्रिकेट करोगे दोबारा से चैन को, ठीक है। और ये भी रोल ऑन का है चेन लूप, ये भी 140 का पड़ जाएगा आपको। और थर्ड ये बॉटल, डेटॉल की बॉटल, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बॉटल और यूज़ कर सकते हो। और इसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का, इस बॉटल में मैं इस चेन क्लीनर को डालूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे होल भी किया है ताकि थोड़ा थोड़ा ही गिरे, ज़्यादा ना गिरे, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लॉजिक ही है। और दो ब्रश कोलगेट के होंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इन दो ब्रशों से आप साफ करोगे। इसमें ये वाला हार्ड है थोड़ा, ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो हार्ड फर्स्ट यूज़ करूँगा, सॉफ्ट है एंड पे। उसका स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस बॉटल में जो है चेन क्लीनर डाल दिया है, फुल बैटरी है। ब्रश जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, मैं अपना चैन खोल बोलता हूँ बाइक का, इस तरीके से खुल जाता है बड़ा इसलिए। अभी आप मेरी चैन की जो है कंडीशन देख सकते हो, ऊपर से बिल्कुल मड में जो है मिक्स हो चुकी है, और आवाज़ सुन सकते हो। अगर आपकी चैन ऐसे आवाज़ करते तो ये इस चीज़ का साइन है कि आपकी चैन को क्लीनिंग की ज़रूरत है। ओके, देखिए। और अब इसे क्लीन करते हैं, बस मैं यूज़ करूँगा हार्ड ब्रश। एक्चुअली में दोनों ही सॉफ्ट है, लेकिन ये हार्ड हो चुका है, मुझे नहीं पता कैसे हार्ड हुआ है। फिर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा, पहले इसके ऊपर हम कैसे इतना हो सकता है गिराते रहेंगे। देखिए साफ हो रही है, अच्छा रहेगा क्योंकि आप नीचे कुछ रख लें, मैंने तो कार मैट रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको इस तरीके साफ करते रहें। गाइस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चलेगा, ये आती बाइकर्स। गाइस और करंटली मुझे इसको साफ करते करते जो है 10-15 मिनट हो चुके हैं, वीडियो तो मैं कट करके ही इसमें बना रहा हूँ। जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें ऑयल डालना है आपको, एक क्लीनर वो भी अच्छा है, आप इसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है और यूज़फुल ही नहीं लग रहा था, तो मैंने एक अपना जो है इंजन ऑयल का जो बॉटल थी इसको हाफ काट के इसके अंदर जो है मैंने क्लीनर डाला, उसके आप देख सकते हो कंडीशन कैसी हो चुकी है। तो अभी मैंने इसको पूरे तरीके से साफ़ कर दिया चैन को, ठीक है, और ये बिल्कुल ग्रीसी टाइप में हो गया है। और फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको इस तरीके से पहले इसको बिल्कुल क्लीन करना है, ये जो क्लीनर है, ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये जो इसके टीथ है इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि ज़रूरी है कि आप इसे भी क्लीन करो, इसके अंदर भी वेस्टेज जो हमारा सैंड और कुछ ऐसे टाइप के कुछ भी चीज़ें जो है चिपक जाती हैं, उसे साफ़ कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो टायर को साथ में घुमाते रहिए, एंड बी केयरफुल, अपनी जो भी फिंगर्स है इसके बीच में मत कभी मत रखना, और टायर घुमाते हुए हो सके तो आप अकेले इस पे काम करना, क्योंकि आप किसी और को अगर साथ में लेते हो या फ्रेंड को किसी को, तो वो उसका पता नहीं कब वो टायर घुमा दे आपका बाइक का, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड थिंग, आपके पास कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको साफ़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीस उस पर लग जाती होगी, पूरी तरीके की क्लीन नहीं होती, तो इसको करने के लिए साथ साथ में आपको इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, ये देखिए कितनी साफ हो गई है। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको जो है हर एक चीज़ें साफ करनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आगे, क्या क्या मैंने इस पर किया। तो फाइनल स्टेप इसमें जो ये बचा हुआ मेरा क्लीनर है, इसको मैं पूरा डाल दूंगा, इसको इससे डालो, घुमाते भी रहो।
इस तरीके से साफ करेंगे, इसको करते हैं धूप में खड़ा करते हैं। और कुछ टाइम बाद मैंने धूप में खड़ाया था उसको 10 मिनट, और ये देखिए इस तरीके से साफ हो चुकी है। दोबारा मैंने इसको कपड़े साफ किया और अब हम इसको करेंगे लुब्रिकेंट फॉर रोलर जेन ल्यूब। इस ल्यूब से हम इसको लुब्रिकेंट करें, और कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेक करना ही पड़ेगा, ये सारी गैसेस मिक्स हो जाए ताकि प्रेशर अच्छा मिले। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, मैनुअली या बाइक को स्टार्ट करके ऑटोमेटिकली ये टायर स्पीड पे आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो मैं चूज़ करूँगा गियर में। ओके, बाइक को स्टार्ट करते हैं, गियर में डालते हैं। उसकी ताकि ऑटोमेटिक चलती रहे, इस तरीके से लुब्रिकेंट को शेक करो और स्प्रे करो। Guys, it's late.